तो गाइस ले लिए डिस्कार्ड, देखो ये रहे भाई, मैंने इस बार ना बाहर से लिए हैं, आफ्टर मार्केट लिए हैं, तो मुझे सस्ते पड़े हैं। देखो R15 में काम चल रहा है, और भाई ये देखो, ये दोस्त की जिसमें मैंने आवाज़ सुनाई थी ना एक बार, इसका एक्सीडेंट हो गया यार। देखो अरे version 3 है ना, ब्लैक कलर की थी, एक बार इसमें SC का प्रोजेक्ट लग रहा था, तूने आवाज़ सुनी हो तो चेंज करवाया इसने, कल परसों एक्सीडेंट हुआ था भाई, लग गई उसके दोनों गोडे वोडो में, हाथों अच्छे लग गए भाई। देखो गाइस डिस्पैड कितने ख़त्म हो गए, दिखाता हूँ। देखो देखो एक साइड वाले तो नहीं होते हैं ना, देखो ये तो थोड़े से ऐसे रह रहा है ना, देखो। और भाई ये एक साइड वाला मेरे समझ नहीं आ रही, एक साइड से कैसे घिस जाते हैं, देखो ये यहाँ से तो प्लेट घिसने लग गई अजीब तरीके से, क्या चक्कर है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल, तो कैसे हो सब, तुम्हारा भाई बिल्कुल मस्त है। और मुझे पता है कटिंग अच्छी नहीं लग रही मेरी, बट यार मैंने छोटे करा लिए, क्योंकि यार ये सूखते नहीं थे, मैं नहाता था तब। तो भाई देखो ये अपने पास मोहित है आज, इस मोहित की छोड़ो भाई, मोहित जा रहा राजगढ़। ओ भाई देखो इसकी बाइक में डेंट देखो, तो भाई अपने मोहित भाई के पास है H2R, इसका मतलब अपना हीरो स्प्लेंडर, ठीक है भाई। ये गाड़ी मेरे को बिल्कुल मस्त लगती है, इससे विली विली मारो बढ़िया वाली, ठीक है, शानदार गाड़ी है। पर इसने यार थोड़ी सी ना डैमेज कर रखी है, देखो यहाँ पर डेंट है और एक साइड हो रहा है। तो गाइस ये तो राजगढ़ निकल रहा है और अपन चल रहे हैं। यार गाइस एक चीज़ बताऊँ यार, सॉरी, पता है मैंने कल बोला था ना कि बर्नआउट करेंगे, तो मैं आज बर्नआउट नहीं कर पाया ना, मैंने आज देखो टायर भी नहीं डलाया, ठीक है। तो भाई बर्नआउट करेंगे कल, क्योंकि आज पता क्या हुआ, देखो आज घर पर रिलेटिव्स आए हुए थे और भाई घर के ला रहे हैं भैंस, पीछे प्लॉट में भैंस बांधेंगे, तो उसके लिए जुगाड़ बनाया था रहने के लिए। इन्होंने भी आज भाई पूरे दिन काम किया है, उदय ने, जीतू ने, मैंने तो खैर क्या ही अच्छा, मोहित भी था क्या भाई? भाई मोहित भी वही था, मतलब इन्होंने यार बहुत सारा काम किया, तो उसकी वजह से आज मैं कहीं ब्लॉग बनाने नहीं गया। बट अभी मैं जा रहा था यार गाइस, इसमें वो डिस्प्ले वो लगवानी थी, ब्रेक पैड्स लगवाने थे, बिल्कुल खत्म हो गए, आवाज़ आ रही है, तो मैं सोचा पहले ये लगा लेता हूँ, कल बर्नआउट भी करूँगा तो थोड़े से ब्रेक्स होने चाहिए। बाकी देखो इसके धागे वागे निकलने लग गए, अब तो कल करेंगे बर्नआउट, ठीक है यार, सॉरी मैं आज ही करता, बट रिलेटिव्स आ गए थे घर पर, ठीक है। तो तू चल जा, हम निकल जाएंगे, मैं ले जाऊँगा इस घर पर। कब तक आएगा वापस? कल। क्यों जा रहा तू राजगढ़? राजगढ़ भाई दोस्त आ रहे हैं, दोस्त आ रही है यार, दोस्त आ रहा है। अच्छा आप गलती से सुन गया मुझे, सॉरी सॉरी। फुल सेफ्टी सही यार, हेलमेट वेलमेट पहना कर। तो भाई देखो ये अपनी पैंथर घड़ी है, यहाँ पे मैंने साफ नहीं कर रखी, कपड़ा भी नहीं फिरा, तो भाई अभी निकाल के लेके आया हूँ, ठीक, स्टैंड लगा ले। हाँ ठीक है ना, स्प्लेंडर तो यार कतई जहर चीज़ है। तो चलो गाइस चलते हैं, मैं अजय की शॉप पे मिलता हूँ आपसे, है ना। बाकी एक बार बाइक कमेंट कर दो अपनी पैंथर कैसी लग रही है, पैंथर तो लाजवाब लग रही है। तो भाई टायर तो घर पर रखा पर लगवा नहीं पाए, टाइम नहीं मिला यार, थोड़ा सा भैंस भी जरूरी है ना, वो फिर बाजरे की रोटी खाएंगे घी लगा कर शानदार तरीके से, मलिदा वलिदा बनाएंगे बिल्कुल, है ना, शानदार। तो चलो चलते हैं ना अपने साथ उदय, तो अजय की शॉप में मिलते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ ब्रेक पिट्स कितने के आएंगे और कैसे हैं क्या नहीं है। आज मैं आफ्टर मार्केट डलवा रहा हूँ, मतलब और मतलब वो जो शोरूम से लेते हैं वो नहीं डलवा रहा, बाकी क्वालिटी बढ़िया है, तो मैं आपको बताऊंगा कितने प्राइस में मिले हैं, कैसे मिले हैं। तो अपन अजय की शॉप में मिलते हैं, ठीक है, चले चलो चलो। तो गाइस आ गए अजय भैया की शॉप पर, वो रहे अजय भैया, और पैंथर एरिया में डिस्पैड चेंज करवाना है ना, तो करवाते हैं फटाफट चेंज। ले आएगा डिस्पैड अजय, ले आए डिस्पैड, कर दे यार जल्दी। और ये रहा देखो छोटू, ब्लॉग देखता है ना तू हमारे क्या नाम तेरा, तू मुझे डेली मिलता है यहीं पे डेली, घर कहाँ पे है तेरा? अच्छा बगल में ही घर है, फिर तो यही रहेगा तू यार। देखो भाई इसकी आंखें देखो, तो गाइस ले लिए डिस्पैड, देखो ये रहे भाई, मैंने इस बार ना बाहर से लिए हैं, आफ्टर मार्केट लिए हैं, तो मुझे सस्ते पड़े हैं, ये 300 रुपये के समथिंग, 350 रुपये के समथिंग पड़े हैं मुझे, ठीक है। बाकी यार डिस्पैड तो सही है, ये भी उतने ही चलते हैं, बस थोड़े बहुत दिन कम चलते हैं, अब इनको डलवा लेते हैं ना। देखो आ जा ले भाई, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया यार, आवाज़ आ रही है इसमें से, मेरा जी ऐसा अजीब सा हो रहा है जब से इसमें से आवाज़ आ रही है ना, चिपक गए बिल्कुल, चिपक गए। पता है इसमें क्या होता है, एक साइड वाला पहले घिस जाता है, एक साइड वाला नहीं घिसता। देखो एक बार दिखा देता हूँ मैं, ना NIZ निजिन क्या लिख रहा है भाई, बनते किस चीज़ के हैं डिस्प्लेड यार, चाट के देख क्या है बुरादा का, बुरादा बुरादा का बनता है भाई। कल भाई इसमें टायर लगवा देंगे, पता है क्या यार, इस टायर की वजह से ना लुक थोड़ी सी लुक भी बिगड़ रखी है, कल नया लग जाएगा ना, अलग ही दिखेगी बाइक अपनी। अजय लगा दे यार जल्दी, हम जाएं फिर ग्राउंड में। देखो R15 में काम चल रहा है, और भाई ये देखो ये दोस्त की जिसमें मैंने आवाज़ सुनाई थी ना एक बार, इसका एक्सीडेंट हो गया यार। देखो अरे version 3 है ना, ब्लैक कलर की थी, एक बार इसमें SC का प्रोजेक्ट लग रहा था, तूने आवाज़ सुनी हो तो
चेंज करवाया इसने, कल परसों एक्सीडेंट हुआ था उनका ही, लग गई उसके दोनों गोडे वोडो में, हाथों अच्छे लग गए भाई। तो भाई सेफ राइड करो ठीक है यार। डिस्पैड तो मैं घर भी लगा लूँ, सीखूंगा है ना डिस्पैड लगाना। एलंकी का काम है ना, बस सीखूंगा यार, ये तो जरूरी है कुछ चीजें, जैसे डिस्पैड हो गया और कुछ चीज होगी ना, सीखूंगा तेरे से काम, एक महीने तेरे पास रहूंगा ठीक है। इसके बारे में यार पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, जैसे कहीं राइड पे जाए अटक जाए तो खुद ही मिस्त्री बन जाए वहीं। मैं कह रहा था कल ये बर्नआउट मारेंगे हम, तो कूलेंट वगैरह तो नहीं फेंक देंगे, कितनी देर तक मारू कंटिन्यू, क्लच पेड जल्दी खत्म हो जाएगी बर्नआउट मारने, एक बार ही तो मारूंगा तो है, एक बार से ही नुकसान हो जाएगा, डाउन पड़ते क्लच पेड, फिर नहीं मारू, क्लच नहीं चलेगी तब जाएगी ना गाड़ी, फिर नहीं मारू, मत मारू क्लच पेड खराब कर देगी, थोड़ा सा तो मार लू क्लच पेड खराब कर देगी यार, इसने तो बर्नआउट मारने से मना कर दी, थोड़ा सा तो मार लूं थोड़ा सा भी मार सकता, क्लच पेड पे दबाव पड़ता है, भाग नहीं पाती है, पूरी यहीं खड़ी हो जाती है, इसलिए खत्म हो जाएगी फिर यार, ये तो दिक्कत हो गई। एक दो बार मारना से तो कुछ ना हो यार, तो इन मांगो इन पत्ती इन कहीं से, मुझे नहीं चाहिए यार इनमें जर लग गो, अभी देखो रुको ओवर हो गया, ओए सही से लगा, जल्दी जल्दी में कहीं ऐसे ही लगा दे रहा हम कहीं अटक जाए, ऐसे काम करते ही नहीं है ये तो भरोसा है यार। अंकल एक मिनट देखो गाइस, डिस्पैड कितने खत्म हो गए दिखाता हूँ, देखो देखो एक साइड वाले तो नहीं होते हैं ना, देखो ये तो थोड़े से ऐसे रह रहे हैं ना देखो, और भाई ये एक साइड वाले मेरे समझ नहीं आ रही, एक साइड से कैसे घिस जाते हैं, देखो ये यहाँ से तो प्लेट घिसने लग गई अजीब तरीके से, क्या चक्कर है, पूरे भाई साहब कितनी घिस गई, स्क्रैचेस हुए होंगे प्लेट में देखो, तो मेरी ये समझ नहीं आ रही है एक साइड का आधा क्यों घिसता है, एक साइड का पूरा घिस जाता है, हल्का सा फर्क पड़ा, ज्यादा तो नहीं घिसी भाई, इन डिस्पैडों का ध्यान रखा करो, खत्म होते ही डलवा लिया करो ठीक है। अजय ये बता आप कल कितने बजे आना टायर डलवाने, 11 बजे A few moments later. तो गाइस अपन आ गए घर, और देखो व्हील कैप कैसे चमक रही है, और भाई डिस्क ब्रेक लग गए अपनी में, देखो डिस्क पैड लग गए, सॉरी डिस्क ब्रेक। तो गाइस देखो मैं दिखाता हूँ आज हम सुबह से किस चीज़ में लग रहे थे उधर ही रहा, मत लगा इसको, इसको मत खोले, देखो भाई यार साइड वाला प्लॉट में ना वो नहीं, वो लाइट लगवाएंगे यार यहाँ पे एक, देखो आज आप दिखाता हूँ, लाइट लगवानी जरूरी है इसमें, मूली खाई यहाँ से हम बे किसने कौन ने कहीं खाना की किससे पूछे नहीं हम खाने, देखो यहाँ से ना ये काम कराया आज इसमें ना, देखो भाई सुबह से इसमें लग रहे थे, देखो मैं तो यही खटिया बिछा के सोया करूँ, हैं भैंस ना आया तो फिर भी अपने तो बन ही गया, हाँ है ना बैठवा के लिए, अगर भैंस नहीं आएगी तो अपना जुगाड़ तो हो ही गया, मिट्टी और गिर जाए यहाँ पे, मस्त तिरपाल रख के ऊपर मस्त बैठा करेंगे, आँच ऊंच लगा के, गर्मी में तो और आँच लगाने की कोई वो थोड़ी है, है? पता चले इनमें ही आँच लग जा सब, ये किया था गाइस आज देखो, इसलिए थोड़ा सा टाइम आज मिला नहीं, और रिलेटिव्स आ गए थे यार थोड़ा सा वो काम था, तो कोई बात नहीं कल करेंगे बर्नआउट ठीक है, कल ऐसा बर्नआउट देंगे भाई साहब, अजय कह रहा था ज़्यादा मैं भी ज़्यादा बर्नआउट नहीं करूँगा, बाइक पर लोड आता है सही बात है, और बाकी लोग करते हैं पर थोड़ा सा तो करेंगे बर्नआउट करेंगे, 360 तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहा लूँगा तो फिर गंदा हो जाऊँगा, पर सुबह उठ के देख लेंगे करेंगे यानी, है ना, बिना नहाए कर लेंगे, पर कोई बात नहीं, तो कल मिलते हैं ना बर्नआउट के साथ, आज का व्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट है और थोड़ा सा समझ रहे हो ना आप, है ना तो कल मिलते हैं ठीक है ना, वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो, कल इसमें न्यू टायर डल जाएगा, देन उसके बाद अपना काम बचेगा इसकी सर्विस करवाना और गोप्रो लेना, फिर एग्जॉस्ट लगवाएंगे ठीक है, मेरे जितने भाई कमेंट कर रहे हैं ना कि एग्जॉस्ट कब लगवा रहे हो, गोप्रो लेने के बाद ठीक है, तो ठीक है ना, टाटा बाय बाय टेक केयर एंड राइड सेफ ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सो रहा हूँ, नींद आ रही है बहुत ही यार, तक आज ऐसा लग रहा है जैसे एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी मेरे से तेरी, मैं कर दूंगा, तबीयत ख़राब कुछ ऐसी स्थिति लग रही है मुझे आज, बट कोई नहीं करेंगे एडिटिंग है ना, तो बाय ठीक है बाय।